इंटरमीडिएट इंग्लिश चैनल पर खुश आमदेद। ये एक एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल पर इंटरमीडिएट के इंग्लिश पेपर की मुकम्मल रहनुमाई और हेल्प वीडियोस की शक्ल में दस्तियाब हैं। हलशुदा 5 साल मारूजी पेपर्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को देखकर 90+ मार्क्स ले सकते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। द डेली ग्राइंड अब स्कूल प्रेस्ड हैवीली अपॉन मी। ग्राइंड का मतलब है हार्ड वर्क, मेहनत मशक्क़त। स्कूल की रोज़ाना की मेहनत मशक्क़त जो थी, हार्ड वर्क जो था, उसे बहुत प्रेस किया हुआ था उसने। नेक्स्ट सेंटेंस है, थ्रिफ्टी हाउस वाइफ्स प्रिजर्व्ड देयर होम ग्रोन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। थ्रिफ्टी का मतलब है कि फैश और फ्रूगल। तो दूसरे ऑप्शन दुरुस्त है, अब्दुलरहमान बेयरली एस्केप एसेसिनेशन। एसेसिनेशन का मतलब है कत्ल, मर्डर। नेक्स्ट सेंटेंस है, एंड देयर विल प्रिवेल्ड। प्रिवेल्ड का मतलब गालिब आ जाना। जब कोई गालिब आता है तो विन कर लेता है किसी चीज़ को, तो प्रिवेल्ड वन। पहली ऑप्शन दुरुस्त है, फ्लेमिंग रिसीव्ड अ शेयर इन लेगेसी। लेगेसी का मतलब है विरासत, इनहेरिटेंस। दूसरी ऑप्शन दुरुस्त है, ही प्रपोज दैट द सल्तनत मस्ट बी अबॉलिश्ड। अबॉलिश्ड का मतलब है ख़त्म कर देना, एलिमिनेटेड, ख़त्म कर देना। तीसरी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी वाज इमेंसली पॉपुलर विद बॉयज़ एंड मास्टर्स अलाइक। इमेंसली का मतलब है बहुत ज़्यादा, ग्रेटली। पहली ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अ हॉलीडे वाज डिक्रीड फॉर स्कूल। डिक्रीड का मतलब है हुक्म दे देना, ऑर्डर्ड। तीसरी ऑप्शन दुरुस्त है, ही हैड बीन देयर मोर देन अ डिकेड। डिकेड का मतलब है 10 साल का अर्सा, 10 ईयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, चिप्स हैड नेवर बदर्ड टू बी वेयर ऑफ हिम। बदर का मतलब है परेशान होना, वरीड अबाउट। दूसरी ऑप्शन दुरुस्त है। प्रेपोजिशन की तरफ आते हैं, आई कैन नाट बेयर विद दीज रिमार्क्स। मैं ये अल्फाज बर्दाश्त न कर सका, ये जुमले बर्दाश्त नहीं कर सकता। बी वेयर के साथ ऑफ आया करता है, बी वेयर ऑफ अ ब्लैक शीप इन योर ऑफिस। ये दूसरी ऑप्शन दुरुस्त है, ही वॉज चार्ज्ड विद थेफ्ट। उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। आखिरी ऑप्शन दुरुस्त है, ही ब्रॉट बाई है सिस्टर। ब्रॉट अप होता है परवरिश किया जाना, ब्रिंग अप, ब्रॉट अप। पहली ऑप्शन दुरुस्त है, शी इज़ ब्लाइंड इन बोथ आइज। वो दोनों आँखों से अंधी है, ब्लाइंड इन। करेक्शन की तरफ आते हैं, आई कैन नॉट ट्रस्ट ऑन द स्टेटमेंट। ट्रस्ट के साथ इन आया करता है, ऑन नहीं आता। आई कैन नॉट ट्रस्ट इन द स्टेटमेंट। ही डिड नॉट लीव हिज वर्क अनकम्प्लीट। अनकम्प्लीट का मतलब है ऐसा नामुकम्मल जिसको फिर मुकम्मल ना किया जा सके, और इनकम्प्लीट का मतलब है ऐसा नामुकम्मल जिसको फिर मुकम्मल किया जा सके। तो दूसरी ऑप्शन दुरुस्त है, ही डिड नॉट लीव हिज वर्क इनकम्प्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई गेव टू हिम माई बुक। गेव के साथ टू नहीं लगेगा, आई गेव हिम माई बुक। तीसरी ऑप्शन दुरुस्त है, हायर वी गो कूलर इट इज़। ये भी 3-4 दफ़ा फिक्र आ चुका है, हायर से पहले भी दी लगेगा, कूलर से पहले भी दी लगेगा। दी हायर वी गो द कूलर इट इज़। आखिरी ऑप्शन दुरुस्त है, चौथी ऑप्शन उसके बाद है जी, ही इज़ सीनियर दैन मी। सीनियर के साथ टू आया करता है, प्रेपोजिशन दैन नहीं आया करता, ही इज़ सीनियर टू मी। तो दूसरी ऑप्शन
दुरुस्त है, ही इज़ सीनियर टू मी।